कि मैं इनसे नाराज नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नाराज हूँ कि ये है, लेकिन नाराज की भी कुछ क्या बात है उसमें, कुछ टेंशन तो लगी रहती है यार ना, अंदर ही टेंशन अंदर ही लगी रहती है, लेकिन ऐसी टेंशन नहीं रहती थी पहले। अब तो शादी वगैरह सब हो गए, हाँ। सब बड़े बड़े हो गया है। तो मैं उस टाइम पे पंख लगाए बैठी थी कि बस जब ससुराल जाऊंगी उस टाइम, मतलब तब सपना पूरा होगा, या फिर मैं इन्हीं बातों को लेकर मन में बहम डाल के आ गई थी कि सबने यही बनने की बात नहीं है, कोई भी हो मतलब ये होना चाहिए कि थोड़ा सा भरोसा करके दूसरे एक दूसरे पे और होना चाहिए। तो मुझे ये उम्मीद अरे थी कि ये हमारे नहीं है, हमारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्ते, और ये है मेरे स्वामी जी। राम राम दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हम बैठे हुए हैं 3 बजे को यहाँ पे आप लोगों के सामने आए हैं वीडियो लेके, तो वीडियो मतलब वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के सामने। तो आज का मेन जो वीडियो है वो है जब से हमारी क्या हुई थी, बात हुई थी, तो उस टाइम से ही मुझे क्या बोलते हैं, गाने का डांस का बहुत ज़्यादा शौक था। तो शौक क्या हो ना, तब बाद में ये सपना बन गया है, और अब जो है कि मतलब जो मेरा डांस और गाने का था वो शौक नहीं, एक सपना ही रह गया। तो बचपन से ही मैं स्कूल से ही मतलब स्कूल में जाती थी, डांस करती थी, मेरा बहुत ज़्यादा शौक था। और उसके बाद शादी के टाइम पे 11वें में मेरी सगाई हो गई थी, तो जब सगाई हुई थी उस टाइम पे मतलब मेरे जो जीजा जी हैं वो सिंगर हैं, अरविंद राणा करके, तो वो दो तीन तीन चार गाने हैं उनके, तो उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे गाने में लिपसिंग के लिए या फिर गाना गाने के लिए आ जा। तो उस टाइम पे मेरे घर वालों ने मना कर दिया कि नहीं जाना है, जमाना ये है वो है, होता भी है गाँव में कई सारे ऐसे मतलब आ जाती हैं, तो मना कर दिया था। फिर मेरे पंख लगे इनके घर के लिए हैं, इनके साथ मेरी सगाई हो गई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे सपने यहाँ के लिए, सब लोग कहते हैं कि, और कई सारे लोग होते हैं यही सोचते हैं कि मतलब जैसे मैंने भी सोच दिया था, मैं भी उस टाइम पे पंख लगाए बैठी थी कि बस जब ससुराल जाऊंगी उस टाइम मतलब तब सपना पूरा होगा, या फिर मैं इन्हीं बातों को लेकर मन में बहम डाल के आ गई थी कि सबने यही कहा कि जब ससुराल चली जाएगी उसके बाद सपने पूरे करना ये वो है ना, तो यही होता है। मैं पंख लगा के यहाँ आई थी, पंख लगा के क्या नहीं, एक उम्मीद थी मुझे कि इन्होंने भी बोला था उस टाइम पे, पहले पहले तो मना करा, सबसे पहले बोल दिया था, पहले तो कॉलेज की तो मेरी उतना इंटरेस्ट नहीं नहीं, था, कॉलेज के लिए मैंने हाँ कहा था हाँ इसलिए। कहा था, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, ये साफ बात है कि मुझे पढ़ना अच्छा अच्छा नहीं ही नहीं लगता। लगता ही नहीं अच्छी। तो अरे जो आदमी 10 में एक बार, 12 में 2 बार फेल हो, उसे क्या है वो कर सकते हैं, मतलब उम्मीद। ओह नो, तो ऐसा ही हो गया तो ऐसा ही हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि 12वीं के बाद 1 साल में मम्मी के साथ रही काम के लिए, बाकी दो तीसरे साल मेरी शादी हो गई थी। तो उस टाइम पे मतलब उस टाइम से, शादी और मतलब ब्यालो क्वालो यही कर। तो उसके बाद क्या हुआ कि तीन मतलब तब से और आज तक मेरे को मतलब गाने के या फिर गाने और के, देखना हाँ पड़ता है। गाने के या फिर डांस के लिए मुझे, मेरे लिए आते रहते हैं मतलब। मतलब 3 बार इसको गाने का ऑफर आ चुका है और 2 बार डांस का, तो पहले पहले मैंने मना किया, तो नहीं भाई। क्या कारण था मना करने का? अरे वही होता ना, आपको पता है जमाना किधर जा रहा है। लेकिन इसने जमाने बाद में मैंने बोला कि जहाँ इच्छा नहीं मानी जाए, तो मैंने हाँ कहा। मैंने बोला ठीक है, जब मैं घर आऊँगा तब करेंगे, तब जाएंगे। तो उसमें हामी भर दी थी इसने, और अब जैसे ही घर आ गए वैसे सब चौपट हो गए हैं। लेकिन अभी आएगा तो अभी जाएंगे, कब ऐसा कुछ जाएंगे? नहीं। नहीं कोई नहीं, ये कोई दोस्तों ये झूठा दिलासा है, इन्होंने पहले भी बोला था, और पहले कब बोला था मेरे को, 2-3 बार। तो एक मतलब कोई किसी से बात हुई थी मेरी, तो मुझे उतना बुरा तब नहीं लगा कि जब इन्होंने मना करा। तो मैंने इनसे पूछा, मतलब उनका कॉल आया था, तो उन्हें बोला कि मतलब अपने हस्बैंड को पूछ के
हमको बताना, ठीक है? मैंने वहां हाँ कर दी कि मैं हाँ आ रही हूँ, हम मुझसे बोला ही नहीं और इनसे बोला ही नहीं। तो मेरे को ये उम्मीद थी कि क्योंकि उन्होंने पहले बार, मैं बहुत रोती हूँ जब ये मना करते हैं, मैं उसके बाद रोती हूँ कि मेरे को बुरा लगता है कि जो मेरा सपना था, मुझे करना था, मुझे ऑफर आया तो मुझे पूरा करना है, तो इन्होंने मना कर दिया। तो फिर ये नहीं होता कि मैं ये नहीं सोचती कि अब मेरा यही पंख लगाए बैठी थी मैं। मैंने कहा हाँ भैया मैं करूँगी, मैं आऊँगी, मैं ज़रूर आऊँगी। उन्होंने कहा था कि गाड़ी से हमारे ही जाएंगे, लेकिन मेरे को ये नहीं था, मेरे को इन चीज़ों की नहीं रहती कि भाई अभी ज़माना क्या चल रहा है। मेरे को ये होता है कि अरे मेरा ऐसा नहीं होता ना, मेरा जब जैसे गांव में रहते हैं तो सब जो वो देखना पड़ता है, घर का देखना पड़ता है, बाहर का देखना पड़ता है, यार रिश्तेदार सब दोस्त वगैरह सब का देखना पड़ता है ना, तो वो भी समस्या है हमारे पहाड़ों में। क्योंकि अभी अभी लड़कियां कम भाग रही है, वो है ज्यादा। सॉरी दोस्तों, ये कोई बात नहीं, हो रहा ये है, तो बीच ये के लिए रियल मजा, बात है, ये बीच के लिए मजाक है। रियल बात है, ये मजाक नहीं, रियल बात है, सच बात है ये। तो इसी के कारण ना ऐसे ही हो रहा है कि हाँ मतलब ऐसे भी क्यों, एक रियल बात लड़की नहीं, 100% रियल 100% है, है और और लोगों का विश्वास बहुत कम हो रहा है सबसे। हाँ हाँ, मैं तो खुद भी, मैंने तो सीधे बोल रखा, जिस दिन जाएगी मैं रोटना अरसा और 1-2 महीने का खर्च दे दूंगा मैं। और मतलब जो घर में, हाँ वो कंटर बजा के फिरेंगे हम। तो ये मजाक की बात है। बाकी मेरे को ये लगा था उस टाइम, और मुझे उतना बुरा तब नहीं लगा जब इन्होंने मना करा, मुझे बुरा तब लगा जब उन्होंने डायरेक्टली वहां जो मतलब उनके वो होते हैं सर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी आ रही है वो, तो उन्होंने कहा कि नहीं सर उनके हस्बैंड मना कर रहे हो। भाई साहब यहाँ पे लगी मेरी, यहाँ पे तो क्या बोलो मैं। अरे और नहीं ऐसा बात नहीं है, होता है। मतलब हम लोग जैसे विदेशों में रहते तो उधर तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला है, लेकिन क्या कहते हैं घर में जैसे आ गए तो बन जाते हैं ना, हमें खुद बन जाते हैं। तो बनने की बात नहीं है, कोई भी हो मतलब ये होना चाहिए कि थोड़ा सा भरोसा करके दूसरे एक दूसरे पे, और होना चाहिए। तो मुझे ये उम्मीद अरे थी कि ये हमारे नहीं है, हमारे इधर है वो है, लेकिन हमारे इधर देखने से ज्यादा सुनने पे विश्वास रखते हैं सब लोग। मतलब आपको तो नहीं था ना। अरे हमारे पता है हमारा पहाड़ कैसा है, मतलब उन्हें मतलब पटाखे की आवाज सुननी है लेकिन दूसरे के घर से सुननी है, ऐसे ऐसे वाले लोग है हमारे इधर। नहीं मतलब ऐसा न्यूज चाहे मुझे दूसरे की, ना, न्यूज चाहे खुद की नहीं चाहिए। मुझे ये बात इनकी गलत लगी, इनको सच्चे में विश्वास नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कई बार ये हुआ था कि मैंने बोला था कि आप भी चलो मेरे साथ, या आपके भाई आ सकते हैं, पापा आ सकते हैं, मुझे सिर्फ ये जाना था, एक बार मुझे स्टूडियो पे जाना था, मुझे ये कहना था हाँ मेरा सपना नहीं पूरा नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, अभी आएगा ऑफर तो जरूर जाएंगे, क्योंकि अभी मैं फिलहाल घर ही में हूँ, कहीं नौकरी का जो तो घर ही में क्या करें, अभी तो और परेशान हो गए हम अभी लोग, रोना भी आ रहा है। तो अभी हम लोग परेशान हो गए हैं। परेशान क्या हो ना, टेंशन तो लगी रहती है यार ना, अंदर ही टेंशन अंदर ही लगी हो। रहती है लेकिन ऐसी टेंशन नहीं रहती थी पहले, अब तो शादी वगैरह सब हो गए, हाँ सब बड़े बड़े हो गया है। तो मैं समझाती रहती हूँ उनको, टेंशन करने से कुछ नहीं होता, मस्त रहो एकदम, है ना। टेंशन हाँ किसको नहीं है, लेकिन बाहर दिखाना जरूरी थोड़ी है क्या, हमको टेंशन हो रही है, हम रो रहे अरे हैं टेंशन ऐसा। तो होगी ना, अभी हम वीडियो बनाएंगे, अभी बाहर पौधा है मारने के लिए, झंगोरा भी कूटने के लिए है, टेंशन नहीं वो होगी। अलग बात है, वो ये छोटे लोग छोटे पता है मुझसे 3 टाइम खाना देते हैं तो तीनों टाइम काम करवाते। तो ये सब चलता रहता दोस्तों, हम दिन भर काम करके और फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। तो यही होता है कि मतलब जैसी लाइफ होती है ना, उसको उस हिसाब से जीना सीखना आना चाहिए, है ना। वैसे मैं करती तो नहीं हूँ, ऐसे ही होता है मेरा, दिन भर काम किया, रात में थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो बस बस दिन खराब हो गया, जैसे ऐसे। कल भी ऐसे ही हुआ, ये रोटी रोटी बनाई इसने, सब्जी वगैरह बनाई, पता नहीं किसने बोला, सासू ने बोला, इसकी किसने बोला कि कितना टाइम लगाते हैं, बस हो गया। तो बोल रही थी मैंने खाना खाना था, बोले एक ही रोटी में नीचे आ गई। तो ये सब चलता रहता है घर का, ठीक है, इन बातों पे ध्यान मत दो, इनको इग्नोर करो, थोड़ा मेरे पे फोकस करो। हाँ हम तो इग्नोर नहीं करते।
यही हो गया आज तक भी मेरा सपना ही रहा। तो इंस्टा पे मैं गाना डालती हूँ, यूट्यूब पे डालती हूँ, तो कई सारों के मैसेज या कॉल या फिर कमेंट आ जाते हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए। तो मिलना क्या चाहिए मुझे, उन कमेंटों से इतना वो मिलता है, नहीं कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है ऐसे कुछ मुझे। नहीं है, मौका मिला है, मिलेगा, आगे भी मिलेगा भगवान की दया से। अरे अरे वो लेकिन तो छोड़ो, मौका इस मिले ना बार मिले मिलेगा तो इस बार वो मैं जरूर लेके जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ पैसे मौका आप लोगों से मांगेंगे। तो यही होता है, आप लोग सिर्फ सपोर्ट करना, मैं जरूर जाऊंगी। और पता क्या हुआ था, यहाँ गांव में मेला लगा था, हमारे गांव में ना किसान मेला, तो मेरी इच्छा थी कि मैं वहां जाऊं। मुझे माइक तो नहीं बोल इसने पता है क्या बोला, जाऊंगी बोले तो किस कब बोल रहे है, जब हम मेले में नहीं जा रहे क्या तब बोल रहे रास्ते में कि मुझे उधर जाना है बोले। मैं तो क्या हुआ बोला तो था, ऑन द स्पॉट किधर होता, कोई नहीं करता ऑन द स्पॉट ऐसा कुछ नहीं वो होता। पड़ता। मैं गाना तो गाना हाँ मैंने था, ठीक है, गाना मेरा था, मुझे वहां पे साहस करके मुझे जाना था, इन्होंने जा, आपने जाना अरे लेकिन उधर के लिए मैंने मना नहीं किया था ना, था मैंने या उधर मना मना किया, ये झूठ बोल रहे हैं, मना तो किया था ठीक है मैं, तो क्या तभी तो कर। गई नहीं थी। और दूसरी बात ये है, 2-3 बार हो गया मेला वहां पे, मेरा मतलब ये होता कि मैंने माइक पे बोलना है, गाना है, तो मुझे ये होता कि मैं गाऊंगी, जरूर बोलूंगी मैं। तो इस सपने के लिए इन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करा। बाकी यूट्यूब सिर्फ हमने इसलिए खोला कि जब तबीयत खराब थी मेरी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने बोला कि मतलब ये हो जाता कि अपना टाइम पास इसलिए बोला अपना। था मैंने कि अकेलापन दूर करने के लिए थोड़ा बहुत फोन से दोस्ती होगी तो आदमी की इधर उधर की टेंशन हट जाती है, तो इधर में से भी मन की मत कुछ है नहीं, इसलिए बोला था। लेकिन और अभी थोड़ा बहुत ठीक ही चल रहा है लाइफ, अगर आप लोगों की कृपा रहेगी तो आगे भी ठीक रहेगा। और आप लोगों की मदद से शायद मैं पहुंच पाऊंगी वहां, ठीक है। हाँ वो पहुंचा दूंगा मैं, हाँ देहरादून बाजार में छोड़ दूंगा मैं। छोड़ दूंगा, जैसे भांडागोर भैंसा नहीं होते ऐसे छोड़ देंगे। और एक बात मेरे को इनकी बहुत अच्छी लगी, ये किसी भी बात पे शक नहीं करते हैं, है शक ना। क्यों करेंगे, हम सीधे फोन करते कुछ आज कुछ तुम हाय वाला तो मतलब कोई होता है कि इतनी इतनी सी बात पे शक हो जाता शक है, नहीं करता, मैं सीधे फोन चेक करता हूँ क्योंकि इस जमाने में ना। पर मिला तो कभी कुछ नहीं मिला। नहीं ऐसा नहीं हाँ है, मैं भी अच्छी मिले हूँ ना। अरे मिलेगा तो मैं बोल रखा है ना, अरसे रोटने और कंटर बजा के। तो यही सब था आज का, और मैंने भी इनका साथ दिया, ये भी मेरा साथ दे रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए थोड़ा सा ये हो गया, मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि एक जिद होती है जिसे करके इंसान चला जाता है, लेकिन वो जिद करके मुझे नहीं जाना है, मतलब जानबूझ के। तो इन्होंने बोला अरे कि नहीं ऐसा नहीं, इन्होंने बोला कि मैंने बोला कि मैंने जाना ही जाना है वहां, गुस्से में ऐसे ही, तो कह रहे जा और अपना झोला तमोला भी लेके जा करके, यहाँ रहना है, आना ही मत उसके बाद। तो बहुत रुलाया दोस्तों, तभी तो ऐसी शकल है मेरी, रुलाया भी बहुत है इन्होंने। और क्या बोल सकते हो, मैं ज्यादा क्या बोल रहा, अभी क्या पता ब्लॉग बंद होने के बाद मेरे पे मार पड़े। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एक छापा नहीं था अभी यहाँ। आप अभी रिसेंटली अगर हाँ कहीं से ऑफर आता है गाने के लिए तो अभी तुरंत जाएंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम मांगेंगे उन लोगों से, 5-7 दिन का, तो अभी अभी चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो पिछली बार आए तो उस टाइम थोड़ा दिक्कतें भी थी, तो मैं भी घर पे नहीं था, तो परिवार वालों से भी किससे बोलेंगे। हाँ ऐसा है अपना आदमी साथ में है तो तब कोई नहीं बोलता है, और दूसरे के साथ जाएंगे तो सब सुनाते हैं, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा लेकिन नहीं अभी है, अभी अगर तुरंत आ गया तो तुरंत जाएंगे हम, ऐसा अपने कुछ काम नहीं। के लिए गधे को भी बाप बोलना पड़ता है, ये सबको अरे पता वो है। बात लेकिन घर चल के आ रही है कोई चीज, तो मैंने ये बोला था, कोई किसी को मौका नहीं देता। और मौका किसी का मतलब ये होता है कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासा जाता है कुआं के पास, है ना, हमेशा यही होता है। इनके पता नहीं नहीं क्या तो सोच। अभी क्या हो गया, मैंने इतनी बार बोल दिया कि हो गया हम जाएंगे अगर, लेकिन इसके क्या है हटके थोड़ा खजा रहे हैं, तो मतलब अब मार चाहिए। मतलब आप इसने पहले बोला था ना कि ब्लॉक बंद होने के बाद क्या पता मार पड़ती है, तो वही होने वाला है। तभी तो मैं इतनी कमजोर हूँ, रोज ऐसा ही वही होता है। परसों मैंने इधर मारा था, इधर तो इधर सहला आया, रात भर डंडे मैंने इसे। दोस्तों ठीक है, आज के ब्लॉग में यही पे एंड करती हूँ। बाकी मैं इनसे नाराज नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नाराज हूँ कि ये है, लेकिन नाराज की भी कुछ क्या बात है उसमें, अब कुछ धीरे धीरे ही कुछ होगा जो भी होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है कि
हाँ भाई, तुरंत आप सीधे विधायक के लिए उठो, ऐसा नहीं तो है। कुछ तो कुछ मजबूरियां होती प्रधान हैं इसे क्षेत्र बाकी। पंचायत से ऊपर उठना पड़ता है। तो कुछ कुछ मजबूरियां होती हैं और कुछ ये होता है कि इंसान का अपना दिल भी होना चाहिए कि हाँ मैंने ये करना है। तो मेरा भी उतना नहीं है क्योंकि पीछे से ये नहीं है ना खड़े जैसा अभी है। दिल तो किधर से होगा, आदमी का शरीर ही नहीं है तो दिल किधर से। तो बाकी मजाक शजाक अपनी जितना जगह मेरा पे एक पैर है उतने उस देश की पूरी बॉडी है, ठीक तो वही है, होता बॉडी है। शॉडी एक ही तो होनी चाहिए, एक पतला होना चाहिए हमेशा। तो ठीक है, टाटा, आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ जय श्री राम। इन्हीं की तरह आप भी अपनी लुगाई बीवी यानी धर्म पत्नी को सपोर्ट करते रहोगे और खिलते रहो, मुस्कुराते रहो। टाटा जय श्री राम। टाटा वा, जय ब्लॉगर, जय मैं जय उत्तराखंड। भारत माता की जय। जय।